हेलो स्वेंट्स लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम प्रियंका एंड वी वर डूइंग आई क्लास टेंथ चैप्टर रेशियो एंड प्रपोशन जिसमें मैंने रेशियो का पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया है उसका वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में भी है यहाँ आई लिंक में भी देने की मैं कोशिश करूँगी तो वो पार्ट कर लो जैसे कि हमारा सीरीज़ जो वो है वो कंटिन्यू रहे चुनाव so इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रपोर्शन के बारे में प्रपोर्शन एक्चुअली होता है इक्वालिटी ऑफ रेशियो दो रेशियो को जब हम इक्वल करते हैं वही बन जाता है प्रपोर्शन और इसमें भी मैंने बहुत डिटेल में जो तुम लोगों ने भी किया है ये जूनियर क्लासेस में मतलब सिक्स से लेकर के आई थिंक एट तक नाइन में शायद नहीं था बट एट तक तुम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन के सम्स किए हैं तो वो वीडियोज़ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में अगर तुम लोग को उतना डिटेल में करना है तो वो वीडियो को ज़रूर देखना तो ये तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा ठीक है तो कुछ अलग पार्ट भी है वो सब हम करेंगे इस वीडियो में तो चलो स्टार्ट करते हैं सो so, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रोपोर्शन क्या होता है प्रोपोर्शन होता है इक्वालिटी ऑफ रेशियो यानी दो रेशियो इक्वल रहे तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ देखो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है टू थ्री फोर नाइन आर इन प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियो इक्वल है तो यहाँ पर वो दो रेशियो कहाँ हैं तो हम शुरू के ही लेंगे ये दो और ये दो इनका रेशियो इक्वल है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं टू इसका रेशियो इक्वल है फोर इज टू नाइन के एंड दैट इज़ प्रपोर्शन ठीक है और देखो तुम करके भी देख सकते हो फोर इज टू नाइन इसको काट टू ये कटा ये थ्री कटा देखो टू इज टू थ्री ये भी बन रहा है तो येस दे आर इन प्रपोर्शन मतलब दोनों रेशियो इक्वल ही है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टू इज टू थ्री इज इक्वल टू फोर इज टू नाइन प्रपोर्शन को लिखने का ये भी तरीका है इस टू का मतलब अपॉन इज होता है तो टू बाई थ्री अपॉन फोर बाई नाइन करो तो भी ये प्रपोर्शन में है या फिर टू इज टू थ्री और इज इक्वल टू की जगह ये दो रेशियो ऐसा होता है ये प्रपोर्शन का साइन होता है तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर इज़ टू नाइन ऐसे भी कर सकते हो अब तुम्हारे पास सम्स कैसे होंगे ये जो प्रोपोर्शन के चार पार्ट होते हैं इसको हम ऐसे बोलते हैं ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल सेकेंड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल तो इन चारों में से कोई भी एक प्रोपोर्शनल मिसिंग होगा और तुमको वो निकालना है तो ऐसे हम सम्स करके देखते हैं अभी ये किस तरीके के होते हैं एंड देन नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सो so, जैसे हमारा ये पहला समय है इसमें लिखा है फाइन द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1.5, 2.5, 4.5। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल ये लास्ट वाला ही मिसिंग है अगर इनमें से बीच में मिसिंग होता तो वैसे ही लिखा रहता फाइन सेकेंड प्रोपोर्शनल जिसका मतलब यहाँ बीच में कुछ मिसिंग है फोर्थ मतलब इधर का ही तो हम इसमें क्या करेंगे लेट कर लेते हैं उस फोर्थ प्रपोशनल को दैट लेट द फोर्थ प्रपोर्शनल बी एक्स अब हमको फोर्थ पता बताए तो हम क्या लिख सकते हैं 1.5 पॉइंट फ़ाइव इज टू टू पॉइंट इज इक्वल टू फोर पॉइंट इज़ टू एक्स ओके नाउ ये जब प्रपोर्शन में होते हैं तो इनमें दो चीज़ें एक तो मैंने बोला कि 1.5 पॉइंट फाइव अपॉन टू पॉइंट इज इक्वल टू फोर पॉइंट अपॉन एक्स ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो ये एक्चुअली बहुत इजी होता है बट प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला भी है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ़ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तुम लोगों ने यह किया भी होगा पहले की क्लासेस में तो ऐसे भी कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब इस प्रपोर्शन के एक्सट्रीम्स दोनों का प्रोडक्ट लो मतलब वन पॉइंट फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में बीच के दोनों का प्रोडक्ट 2.5 पॉइंट फाइव इंटू फोर ये फार्मूला लिख के डायरेक्टली इसमें भी आ सकते हो और या फिर सिंपली इस टू का हटाया और इस फ्रैक्शन में आए और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा तो तुम्हारे ऊपर है कैसे भी कर सकते हो जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला लिखना बट ऐसे भी कर सकते हो सो so, कैसे भी ये लिखते या नहीं लिखते तुमको इसके बाद ये स्टेप तो आता ही अब उसमें क्या होगा नेक्स्ट एक्स की वैल्यू निकालते हैं टू पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव अपॉन वन पॉइंट फाइव ठीक है वन पॉइंट फाइव से कट रहा है तुम पॉइंट हटा के भी काट सकते हो बट ये टेबल में आ रहा है थ्री हजार तो थ्री हजार गया हमारा आंसर आ रहा है सेवन पॉइंट फाइव अभी अपना सेकेंड सम देखो इसमें x ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है मतलब जो भी मिसिंग प्रोपोर्शनल है वहां पे ऑलरेडी x दे दिया और हमको x की वैल्यू है अगर ये नहीं दिया होता तो कुछ ऐसा लिखा होता कि फाइन द थर्ड प्रपोशनल तो हम थर्ड प्रपोशनल को x मानते एंड देन रेशियो को ऐसा देते अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा या तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शन ले देंगे या फिर मैंने जो फॉर्मुला बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वो भी कर सकते हो तो मैं अभी ऐसे ही रेशियो में ले आती हूँ टेन अपॉन थर्टी फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन फोर्टी टू एंड देन विल क्रॉस मल्टीप्लाई सो so, एक्स की वैल्यू टेन इंटू फोर्टी टू अपॉन थर्टी फाइव सेवन फाइव सर सिक्स सर ओके सो हमारा वैल्यू आ गया ट्वेल्थ सर प्ले सो ये तो हमने सीखा बेसिक कि प्रपोर्शन क्या होता है ओके okay? बट अब हम करेंगे आगे कि कंटिन्यूट प्रपोर्शन क्या होता है राइट right? सो कंटिन्यूट प्रपोर्शन क्या हुआ खाली प्रपोर्शन में हमने देखा कि कोई भी चार मेन एलिमेंट्स होते हैं ओके okay? जिनको हम फर्स्ट प्रपोर्शनल सेकेंड प्रपोर्शनल थर्ड एंड फोर्थ प्रपोशनल बोलते हैं कंटिन्यूट प्रपोर्शन में हम देखते हैं कि कोई तीन प्रपोर्शन ही होंगे पर प्रपोर्शन में इवन मतलब पेयरिंग तो होनी चाहिए यानी तीन तो नहीं हो सकते तीन का चार तो हमको करना ही पड़ेगा इसीलिए एक को कंटिन्यू रखते हैं वापस से रिपीट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर टू फाइव और नाइन लिखा हो कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोशन तो इसका मतलब हम इनको रेशियो में कैसे लिखेंगे जो बीच वाला पार्ट है ठीक है अच्छा हम इनको क्या बोलते हैं देखो ये अब अगर तीन ही है तो ये तो फर्स्ट प्रपोशनल है ये मीन प्रपोशनल कहलाता है और जो थर्ड वाला है वो अगेन थर्ड प्रपोशनल कहलाता है इसका मतलब यहां पे कोई फोर्थ प्रपोशनल नहीं है तीन है तो वन फर्स्ट मीन एंड थर्ड और ये जो मीन प्रोपोर्शनल है इसी को हम दो बार लिखते हैं और इसको चार में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम जब इनको प्रोपोर्शन में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे टू इज टू फाइव इज इक्वल टू फाइव इज़ टू नाइन सो ऑलवेज मीन वाले को हम दो बार करें और अब ये बिल्कुल चार जैसा हो गया अब जैसे सम को आगे सॉल्व करना होता है वैसे हम कर लेते हैं ठीक है तो अभी मैं सम कराती हूँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के वो हम कैसे वैल्यू लेके आते हैं तो so, देखो कंटिन्यूड में हमारा एक सम है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल टू जीरो पॉइंट टू फोर जीरो पॉइंट सिक्स तो ये फर्स्ट है ये मीन होगा थर्ड हमको पता करना है हम उसको एक्स मान लेते हैं तो हम लिखेंगे लेट द थर्ड प्रपोर्शनल बी एक्स तो ये कैसे हुए जीरो पॉइंट टू फोर पहले है फिर जीरो पॉइंट सिक्स है और फिर एक्स है अब हम इसको चार में कन्वर्ट करें तो ज़ीरो पॉइंट टू फोर इज़ टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स और मीन वाले को रिपीट किया जीरो पॉइंट सिक्स इज़ टू एक्स अब बिल्कुल नॉर्मल समय जैसे हम पहले वाला प्रपोर्शन का कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो पॉइंट टू फोर हो रहा है ठीक है इसको हम हटाते हैं पॉइंट हटाओ अगर सारे तो ये पॉइंट हटाते ऊपर हंड्रेड लगता है और इसके और इसके पॉइंट हटाओगे तो इधर भी हंड्रेड लगेगा हंड्रेड हंड्रेड कटा सिक्स फोर जार हमारा आंसर थ्री बाई टू आ रहा है बट बिकॉज हमारे क्वेश्चन डेसिमल में थे तो हम आंसर में डेसिमल में लिख करके देन आंसर छोड़ेंगे तो ये रहा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल वन पॉइंट फाइव सो ऐसा ही हमारा एक और सम है इस बार मीन प्रोपोर्शनल निकालना है वन बाई ट्वेल्व एंड वन बाई सेवेंटी फाइव का तो मीन प्रोपोर्शनल है तो ठीक है लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स लिखते थे सो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स सो यानी हमारा प्रोपोर्शन ऐसे है कंटिन वाला ही, ये बीच में एक्स है वन बाई सेवेंटी फाइव सॉरी सेवेंटी फाइव सो वन बाई ट्वेल्व इज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू वन बाई सेवेंटी फाइव सो अब हम जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं इस टू तो है तो इसको डिवाइड समझो तो वन बाई ट्वेल्व इंटू वन बाई एक्स है और ये एक्स इंटू सेवनटी फाइव बाई वन है सो वन अपॉन ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू सेवनटी फाइव एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो ट्वेल्व इंटू सेवनटी फाइव इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ये ट्वेल्व इंटू सेवनटी फाइव इधर जाएगा दैट इज़ वन अपॉन नाइन हंड्रेड तो एक्स क्या हुआ एक्स हुआ रूट ऑफ वन अपॉन नाइन हंड्रेड यानी कि वन अपॉन थर्टी तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन थर्टी ओके okay, अपना नेक्स्ट सम है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमेन्डर्स आर इन प्रोपोर्शन इसका मतलब अभी ये तो प्रोपोर्शन में नहीं है इनमें से सब में से हमको एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन दे विल बिकम इन प्रोपोर्शन तो वो क्या नंबर है वो पता नहीं तो हम उसी को मान लेते हैं एक्स सो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स कोई भी अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल लेना है इसका मतलब ट्वेंटी थ्री माइनस एक्स सबसे एक्स माइनस कर रहे हैं थर्टी माइनस एक्स फिफ्टी सेवन माइनस एक्स सेवेंटी एट माइनस एक्स नाउ दे आर इन प्रपोर्शन क्योंकि रिमाइंडर बोल रहा है प्रोपोर्शन प्रपोर्शन में सो इफ दे आर इन प्रपोर्शन दैट मीन्स ट्वेंटी थ्री माइनस एक्स अपॉन थर्टी माइनस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन माइनस एक्स अपॉन सेवेंटी एट माइनस एक्स और अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आगे का पार्ट करना ट्वेंटी थ्री माइनस एक्स इंटू सेवेंटी एट माइनस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन माइनस एक्स थर्टी माइनस एक्स पहले इसको किया सो ट्वेंटी थ्री और सेवेंटी एट को करते हैं ओके okay, सो so अपना आंसर आ रहा है वन सेवन नाइन फोर सेवेंटी एट को इससे किया तो अब सेवेंटी एट को ऐसे करते हैं माइनस सेवेंटी एट एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये पार्ट हो गया इसको करते हैं फिफ्टी सेवन को थर्टी से वन सेवन वन ज़ीरो माइनस फिर थर्टी एक्स है फिर माइनस फिफ्टी सेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है सो प्लस एक्सक्वायर प्लस एक्स तो यहीं कट गया बाकी अब एक्स वाले पोर्शन अपने एक तरफ रखते हैं सो so हम एक्स वाले पोर्शन में क्या क्या हुआ ठीक है पहले ही इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर दें फिर लेके आ जाएगा सेवन एक्स अब एक्स पोर्शन इधर लाते हैं माइनस वन जीरो वन एक्स प्लस एटी सेवन एक्स इज इक्वल टू वन सेवन वन जीरो माइनस वन सेवन नाइन फोर माइनस फोर्टीन माइनस एटी फोर सो माइनस माइनस कटा एटी फोर बाई फोर्टीन ये फोर्टीन के टेबल में जाता है फोर्टीन सिक्स डार सो हमारा आंसर आ गया सिक्स मतलब सिक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एंड देन दे विल बिकम नाउ नेक्स्ट सम इज फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज ट्वेंटी एट एंड द थर्ड प्रपोशनल टू दैम इज टू ट्वेंटी फोर दो नंबर मिसिंग है तो हमको दोनों को ही लेट करना पड़ेगा क्या लेट करें कुछ भी एक्स वाई ए भी सो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी अब पहला पार्ट में क्या बोल रहा है पहले में बोल रहा है कि मीन प्रपोशनल बिटवीन दैम इज ट्वेंटी एट मतलब ए आएगा फिर बीच में ट्वेंटी एट आएगा फिर बी आएगा तो इसका मतलब अभी ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है इसको हम कितना सॉल्व कर सकते हैं ए अपॉन ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अपॉन बी या फिर ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट का स्क्वायर कर सकते हो आगे का पार्ट भी करते हैं एक बार यहीं छोड़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है दैट थर्ड प्रपोर्शनल टू देम इज़ टू ट्वेंटी फोर यानी नेक्स्ट पार्ट हमको क्या दिया है कि ए लिखा हो बी लिखा हो तो थर्ड नंबर 224 होगा तो इस केस में ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई टू होगा ठीक है हम और आगे सॉल्व करें तो क्या हो रहा है आ, 224 ट्वेंटी फोर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ठीक है या फिर ए की वैल्यू दे दो ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू बस यहाँ तक और कुछ नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे ये जो पार्ट है इससे भी हम ए की वैल्यू निकालते हैं ए की वैल्यू क्या होगी इसमें आगे बढ़ो तो ए इज इक्वल टू ट्वेंटी एट का स्क्वायर या ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट जैसे भी लिखना है अपॉन बी राइट यही आता है और अब हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका नंबर जो है ये वन दे देते हैं और फिर हम इधर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम नंबर वन सो so, ए की वैल्यू है ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट अपॉन बी इज इक्वल टू यहाँ पे तो दिया हुई है बी स्क्वायर टू ट्वेंटी फोर है अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बी स्क्वायर को बी से किया तो हुआ बी क्यूब इज़ इक्वल टू ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट इंटू टू ट्वेंटी फोर ओके और नाउ अब बी की वैल्यू क्या होगी तो बी की वैल्यू होती है क्यूब रूट ऑफ ऑल दीज तो इसीलिए मैं इस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि मैं यही वेट कर रही थी कि बाई चांस कुछ कट जाए तो हम काट देंगे या कुछ और इजी वे हो तो तो यहाँ पे इजी वे है देखो ट्वेंटी एट को हमको ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है तो हम कर लेते हैं ट्वेंटी एट होता है टू इंटू टू इंटू सेवन टू इंटू टू इंटू सेवन दो बार और टू ट्वेंटी फ़ोर हम यहाँ देख लेते हैं वैसे यहाँ ट्वेंटी एट मिल गया हमको हम ऐसे भी छोड़ सकते थे पर ठीक है पूरा खोल दिया वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स टू है हमारे पास और एक सेवन है अब हमको तीन तीन की पेयरिंग लेनी है तो देखो वन टू थ्री एक टू मिला मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरे पास जगह नहीं हुआ तो सो बी की वैल्यू में अच्छा मैं इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि हमको ए की भी वैल्यू चाहिए हाँ सो बी इज़ इक्वल टू अब देखो वन टू थ्री ये एक टू आया फिर सेवन को देखते हैं वन टू और थ्री सेवन भी मिल गए तो उससे एक सेवन आया ओके यहाँ तक हुआ अब ये एक टू और आया तो वन टू थ्री ये एक टू लेते हैं और वन टू थ्री एक और टू तो टू टू आ गया हमारे पास सब कुछ अ तो बी की वैल्यू क्या आ रही है फिफ्टी सिक्स ठीक है बी की वैल्यू आ गई अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं और ए ले आते हैं सो दे फॉर ए इज इक्वल टू ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट अपॉन बी दैट इज फिफ्टी सिक्स सिंपली काटना है ये सेवन से काटा और ये टू से काटा सो हमारी ए की वैल्यू भी आ गई फोर्टीन तो ये रहे दो हमारे आंसर एक है ए फोर्टीन और एक बी है फिफ्टी सिक्स अब देखो यहाँ से हमारे सम जो है प्रोपोर्शनल वाले वो थोड़े से अलग होते हैं हैं बहुत इंटरेस्टिंग पर थोड़े से अलग है तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी प्रूव दैट एंड देन हमारे को जो सम दिया वो है एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये दोनों चीज हमको इक्वल करनी है मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस सम के भी पहले जो उतना सा पार्ट दिया है गिवन में एक्स बाई एज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी ऐसा सम मिलता है तो हमको सबसे पहले इसी पे काम करना है इसको काफी सॉल्व करना है उसके बाद ही हम आगे सम में बढ़ सकते हैं तो वो पार्ट कैसे करना है देखो यहाँ पे दिया हुआ एक्स बाई एज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी ठीक है जब भी ये इस तरीके के दिए जाएँ ठीक है ये एक्चुअली क्या है दे आर इन प्रपोर्शन बिकॉज दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो तो ऐसे में जब तीनों ही इक्वल है तो हम इन तीनों को किसी एक चीज के इक्वल कर देते हैं जब तीनों ही इक्वल है तो लेट दे आर इक्वल टू अ वेरिएबल दैट इज़ के कुछ और भी ले सकते थे जनरली हम के ले लेते हैं यानी एक्स बाई ए भी के के इक्वल वाई बाई बी भी के के और जेड बाई सी भी के के इक्वल है ठीक है यहाँ ब्रैकेट में लिख दो तुम दिस इज़ कॉन्स्टेंट अब कांस्टेंट लिखो या बहुत सी जगह पे ऐसे लिखा रहता है से से मतलब अगेन लेट किया हमने कोई कांस्टेंट कुछ भी लिख दो एक ही बात है सो so, ये सब के के इक्वल है तो आप देखो इसे एक एक देखते हैं सबसे पहले मैं एक्स बाई ए को देखती हूँ तो उस इस वक्त इसको नहीं देखते एक्स बाई इज इक्वल टू के है मतलब एक्स इज इक्वल टू ए के राइट ओके अब वाई बाई बी को देखो वाई बाई बी इज इक्वल टू के तो वाई इज इक्वल टू बी के क्लियर हो रहा है कैसे हो रहा है चलो मैं एक बार z वाला करके दिखाती हूँ देखो z बाई सी इज इक्वल टू के है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं तो z इज इक्वल टू सी उससे मल्टीप्लाई हो गया तो सी के ये वैल्यू हमको हमारे सम में डालनी है इसीलिए सम करने से पहले हमको इनकी वैल्यू लानी पड़ेगी हमेशा वैल्यू किन की हम लेके आ रहे हैं हम वैल्यू न्यूमरेटर्स की लेकर के आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स की, की नहीं ला रहे तो x की वैल्यू अब हम a के लिखेंगे y का लिखेंगे b के और z का लिखेंगे c के अब हम आते हैं अपने सम में कोई दो चीज़ें हैं जिनको इक्वल करनी है एल को हम अलग सॉल्व करेंगे आर को हम अलग सॉल्व करेंगे ठीक है सो ये मैंने उतार दिया यहाँ पे एल ये रहा हमारे पास जो लिखा हुआ था सम में और ये है आर एच हमने इसको अलग अलग किया है इक्वल का साइन भूल करके भी मत देना बिकॉज यही तो हमको प्रूफ करना है दैट एल एच इज इक्वल टू आर एच तो अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं एक कॉलम देके करो या एक एक बार एल सॉल्व कर दो फिर आर करो तो अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं देखो एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें डालते हैं तो x का क्यूब मतलब का क्यूब ए के का होल क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह बी के तो बी के का होल क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस hmm. जेड इज सी के तो सी के का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर ए के का क्यूब मतलब क्या होता है के को मल्टीप्लाई करना है मतलब हम खोलेंगे तो ए के का क्यूब होगा ए क्यूब के क्यूब ओके ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंटली बता रही हूँ बिकॉज बहुत से स्टूडेंट एक का होल क्यूब को एक के क्यूब करके निकाल देते हैं दैट इज़ रॉन्ग ठीक है दोनों का ही क्यूब होगा तो इस पार्ट को मैं हटाती हूँ यहाँ से नाउ ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर एंड सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर ठीक है अब जो रहा काटते हैं तो देखो ए स्क्वायर से ए क्यूब तो एक ए बच रहा है बी स्क्वायर से कटता है तो एक बी बच रहा है सी स्क्वायर से कटता है तो एक से बच रहा है तो ओवरऑल हमारे पास बचा है ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं के क्यूब को कॉमन रख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी दैट सेट अब हम आर एच एस में आते हैं देखते है, यही सेम आता है कि नहीं सो so इसमें हम वैल्यू एक्स वाई जेड की डालते हैं दैट इज ए के प्लस बी के प्लस सी के का होल क्यूब और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ फार्मूला लगाने की कोशिश मत करना कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला लगाने की ऐसे ही सम सॉल्व हो जाता है अब जैसे ये पार्ट है मैं अंदर ही अंदर क्या करती हूँ के कॉमन लिया तो एक और ब्रैकेट लगा देती हूँ के कॉमन लिया है ए प्लस बी प्लस सी है और इस पूरे का क्यूब है और अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है नीचे अब मैं इसको हटाती हूँ तो के का होल क्यूब है तो के क्यूब और ए प्लस बी प्लस सी का भी क्यूब है अपॉन नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये पूरे पार्ट से ये जब कटेगा तो क्या बचेगा खाली ए प्लस बी प्लस सी बचा सो अब हमारे पास आया के क्यूब एंड इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी सो वी कैन सी दैट एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल जब प्रूफ हो जाए दोनों तरफ सेम हो तो वी विल राइट देयर फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इक्वल होंगे ही प्रूफ वेरीफाई करना मतलब तो प्रूफ करना है तो ये इक्वल होंगे नहीं हो रहे तो यानी तुम्हारे सम में कहीं, कहीं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है सो चलो ऐसा ही एक और सम करते हैं अपने इस बार है ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन प्रूफ दैट और फिर हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी ब्रैकेट में वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर प्लस वन बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू एव एच एस में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जितना भी बड़ा हो उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सम बहुत ईजी हो जाता है जब हम जो एकदम शुरू में पार्ट दिया हुआ है दैट इज़ यहाँ एक छोटा सा लाइन है ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन उससे ही हम कितनी सारी वैल्यूज़ लाएंगे फिर सिंपली पुट कर तो क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन ठीक है तो सबसे पहले तो ये प्रोपोर्शन में तो इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है और ये दो रेशियोज इक्वल है तो मान लो ये दोनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है सो इज इक्वल टू के जैसे हमने पहले वाले सम में किया था वैसे हम ये कर रहे हैं कि दिस प्रोपोर्शन दिस इज इक्वल टू के तो इससे हमारे को न्यूमरेटर्स की वैल्यू आ रही है ए की वैल्यू क्या आएगी बी के जब ए की वैल्यू निकाल रहे हो ए बाई बी से तो एक बार इसको हाइड कर दो तो ए बाई बी इज इक्वल टू के सो इज इक्वल टू बी के और C इज़ इक्वल टू डी के अब ये A और C के वैल्यू हम अपने एल एच एस आर एच एस में देंगे तो मैं उसको लिख देती हूँ सो so ये मैंने एल एच एस और आर एच एस लिख के रखा है अब हमको वैल्यूज़ डालनी है किसकी किसकी डालेंगे सिर्फ A और C की वैल्यू जहाँ दिख रही है वो डाल दो तो ये रह, A की जगह मैंने डाला बी के तो बी के इंटू बी इन सी की जगह डाला डी के इंटू डी वन अपॉन अब देखो ए का स्क्वायर इज बी के का होल स्क्वायर मतलब क्या आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर एज इट इज प्लस वन बाई सी स्क्वायर डी के का होल स्क्वायर है मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर अगेन वन बाई डी स्क्वायर ठीक है आर एच एज हम बाद में करेंगे सो so, ये पार्ट हुआ अब देखो इसको बी दो बार है डी दो बार है सो बी स्क्वायर डी स्क्वायर के भी दो बार है के स्क्वायर ये पार्ट हुआ और इसमें हमको इसका एल हम लेना पड़ेगा तो हम अगर इसका एल लें तो एल में सब चीज़ें होनी चाहिए बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर सब होना चाहिए तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर सब गए अब देखो पहले वाले से क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया बी स्क्वायर हटा के स्क्वायर हटा डी स्क्वायर बचा सो ऊपर डी स्क्वायर सिमिलरली इसको करो बी स्क्वायर से यह हटा तो ऊपर हुआ डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर हटा तो हुआ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे ये हटा तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर ठीक है नाउ अगर हम इस ब्रैकेट को खोल दें सो देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर इन टू है यहाँ क्या हो सकता है यहाँ पे के तो सब में नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉमन ले सकते हो जैसे इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो के स्क्वायर प्लस वन और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर ले लो ये भी के स्क्वायर प्लस वन होगा और नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर ये पूरा पार्ट कट गया और हमारे पास ये बचा है और इसमें भी देखो के स्क्वायर प्लस वन कॉमन है सो के स्क्वायर प्लस वन एक ब्रैकेट में एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर या डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी लिखो बस यहीं तक हो रहा है तो एक बार इसको यहीं रखते हैं देखते हैं आर एच यही पार्ट आता है क्या तो ए स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर की वैल्यू हम डालते हैं दैट इज बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वही पार्ट आ गया बी स्क्वायर कॉमन लोगे के स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ डी स्क्वायर कॉमन लिया के स्क्वायर प्लस वन ओके एंड अब इन दोनों में के स्क्वायर प्लस वन कॉमन है और बचा क्या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सो यू कैन सी एग्जैक्टली सेम आया है दोनों तो दे फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो हर सम में तुम एक पार्ट देखोगे सॉल्व करने में जो हेल्प करता है वो है उसका पहला पार्ट इसको मत भूल जाना इसकी वैल्यू जब तक नहीं डालोगे ठीक से सॉल्व नहीं करोगे नहीं होगा इक्वेट सो so, अभी तक तो हमने जो के वाले सम किए वो थे ए बी सी डी प्रपोर्शन में यानी चार प्रपोर्शनल रहते थे इस बार हम के वाले सम करते हैं जिसमें कंटिन्यूट प्रपोर्शन हो तो उसमें देखते हैं वो सम कैसे होते हैं तो हमारा सम है ए बी सी आर इन कंटिन्यूट प्रपोर्शन प्रूव दैट और फिर ये एक सम दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में ए टू द पावर माइनस फोर प्लस बी टू द पावर माइनस फोर प्लस सी टू द पावर माइनस फोर इज इक्वल टू एंड देन राइट वाला पार्ट दिया सो so, मैं चुन चुन करके थोड़े से टफ वाले सम करवा रही हूँ कि टफ हो दिखने में भले टफ लगे बट जब हम करते हैं तो वो कितने ईजी हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए मैंने टफ सम चूज़ किया सो मेन पार्ट क्या है अगेन सम में भरने से पहले जो ऊपर की पहली लाइन है ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन कंटिन्यूट प्रपोर्शन का मतलब अगर ए बी सी कंटिन्यूट प्रपोर्शन है यानी बी को दो बार लिखना है यानी ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिखेंगे हम और आगे का पार्ट वैसे ही करना है कि हम इस प्रपोर्शन को मान लेते हैं के और लिख देते हैं कि के कॉन्स्टेंट है पर कंटिन्यूट प्रपोर्शन में एक चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है वो कैसे देखो हम न्यूमरेटर की वैल्यू ला रहे हैं तो पहले ए बाई बी में देखो ए इज इक्वल टू बी के ठीक है सो दे फॉर ए इज इक्वल टू बी के हुआ और अब दूसरे पार्ट में आओ तो यहाँ पे बी बाई सी में बी न्यूमरेटर है तो बी इज़ इक्वल टू सी के हुआ तो अब हमको बी के वैल्यू आ गई सी के तो हमको फिर से पहले वाले में जाना पड़ेगा यहाँ बी के लिखा है यहाँ बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी तो बी क्या आया बी आया सी के तो सी के इन के हो गया ये तो फिर यानी कि a क्या हुआ c के स्क्वायर तो अब हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है अब हम a की वैल्यू ये रखेंगे c के स्क्वायर ना कि b के ये नहीं रखना अब तो a की वैल्यू c के स्क्वायर है b की वैल्यू c के है अब हमको जो भी सम मिलेगा उसमें हम a की और b की वैल्यू डालेंगे और फिर सम सॉल्व करेंगे तो मैं अगेन एल और आर लिखती हूँ फिर हम आगे का सम करते हैं सो ये मैंने एल और आर वाले पार्ट डाल दिए अब मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ ए की जगह सी के स्क्वायर और बी की जगह सी के लगाना है तो ए की जगह सी के स्क्वायर लगाया तो ये ए स्क्वायर है तो यानी सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर किया बी का स्क्वायर यानी सी के का होल स्क्वायर इन सी स्क्वायर ये एक पार्ट हुआ ए का पावर माइनस फोर यानी सी के स्क्वायर का पावर माइनस फोर प्लस सी के का पावर माइनस फोर प्लस सी का पावर माइनस फोर ठीक है सो अब देखो ये सी स्क्वायर के फोर होता है ये सी स्क्वायर के स्क्वायर होता है और ये सी स्क्यर होता है ठीक है हम प्रॉपर एक्सपोनेंट वाले रूल यूज़ कर रहे हैं सी स्क्वायर ये टू इंटू टू फोर कर रहे हैं अब ये वाला पार्ट करो तो इसको जब हम खोलते हैं तो ये होता है सी का पावर माइनस फोर के का पावर माइनस एट प्लस सी का पावर माइनस फोर के का पावर माइनस फोर प्लस ये सी का पावर माइनस फोर है ही ओके okay, अब देखो इसको सी अब ये भी एक्सपोनेंट का ही रूल है कि ये मल्टीप्लाई है तो हम सारे पावर ऐड करेंगे टू 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 यानी सिक्स तो सी का पावर सिक्स है के भी फोर प्लस टू सिक्स है ओके okay? और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से है, ज़्यादा सी का पावर माइनस फोर है कॉमन सब में है तो अब बचता क्या है के का पावर माइनस एट प्लस के का पावर माइनस फोर प्लस वन ठीक है ये पार्ट हमारा बच रहा है अब ये वाला पार्ट जो माइनस वाला है ये हम हटाते हैं ये हम हटा इसलिए रहे हैं बिकॉज हमको यहाँ कहीं माइनस नहीं दिख रहा है इस अंदर वाले पार्ट में ठीक है हो सकता है तुम वहाँ वाले को भी माइनस में ला सकते हो या इसको चेंज करो एक को चेंज करना पड़ेगा तो हम इसको चेंज कर देते हैं सी सिक्स के सिक्स ये सी का पावर माइनस फोर है मतलब क्या वन अपॉन सी का पावर फोर है ऐसे ही और ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन के का पावर एट प्लस वन अपॉन के का पावर फोर प्लस वन ऐसे है तो अब हम एलसीएम लेते हैं इन टू वन अपॉइन सी का पावर फोर है इसको हम काट भी सकते हैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में एल सी एम में के का पावर एट आएगा सो so ये सॉरी ये वन ही हुआ प्लस के का पावर फोर से इसको डिवाइड करेंगे तो फोर आया सो so के का पावर फोर और प्लस के का पावर एट ठीक है ये फोर कैसे आई है मैं बताती हूँ देखो मैंने क्या किया के का पावर फोर से इसको डिवाइड किया ना तो के का पावर एट था उससे मैं डिवाइड करी हूँ के का पावर फोर को ऐसे तो ये एक्सपोनेंट का रूल में क्या होता है कि जब बेस सेम है तो जो पावर होते हैं वो माइनस हो जाते हैं यानी आंसर में के का पावर सिर्फ फोर आएगा इसलिए मैंने वो लिखा ओके और अब ये जो नीचे वाले पार्ट है ये थोड़े कट सकते हैं जैसे सी का पावर फोर से ये कटेगा तो सी स्क्वायर बचा और के का पावर सिक्स से ये कटेगा तो यहाँ के स्क्वायर बचा तो ओवरऑल अब हमारे पास यहाँ सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बचा है और ऊपर बचा है वन प्लस के का पावर फोर प्लस के का पावर एट लेट्स यही सेम पार्ट हमारे आर एच एस में आता है क्या तो अगर नहीं आए तो हम कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हैं या कुछ और करने की जरूरत है तो लेट्स उधर चालू करते हैं बी का पावर माइनस टू इज सी के का पावर माइनस टू सी के स्क्वायर का पावर फोर ए के लिए लिख दिया सी के का पावर फोर बी के लिए और सी है, सो so, ये हुआ सी का पावर माइनस टू के का पावर माइनस टू हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं बाद में कर देंगे तुम पहले स्टेप में भी कर सकते हो सी फोर के एट सी फोर के फोर प्लस सी फोर ठीक है सो so, अब देखो हम इसको सी का पावर ये वन अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे लिख दिया इसमें कॉमन में क्या जा रहा है सी का पावर फोर कॉमन जा रहा है के टू द पावर एट प्लस के टू द पावर फोर प्लस वन तो इसमें ये पार्ट कट रहा है खाली बाहर वाला सी स्क्वायर से ये कटता है सी स्क्वायर बचता है अब देखो सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और यहाँ बचता है हमारा के का पावर एट के का पावर फोर और वन नाउ चेक सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर और ये पार्ट मैंने जैसे भी हम तो चेंज करके लिख सकते हैं सेम पार्ट है के टू द पावर एट प्लस के टू द पावर फोर प्लस वन ठीक है सो so ये हमारा हो गया तो नाउ वी कैन राइट दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो टफ दिखने में लग रहा है बट करेंगे तो नहीं लगेगा इसको अलग तरीके से कर सकते हो शुरू में ही ये माइनस जो है इसको तुम वन अपॉन ए का पावर फोर वन अपॉन बी का पावर फोर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको भी बिल्कुल शुरू में ही वन अपॉन बी स्क्वायर लिख करके आगे का सम सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हो सो so, हमारे ये सम भी कंटिन्यूट प्रपोर्शन का और ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमने अभी तक किया था तीन नंबर्स थे और वो कंटिन्यूट प्रपोर्शन में थे ए बी सी का लास्ट इस बार देखो सब में लिखा हुआ है ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूट प्रपोर्शन एंड देन हमको प्रूव करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब अपॉन बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू ए बाई डी ठीक है तो ये प्रूविंग तो बाद में करनी है मेन पार्ट है पहले वाला ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूट प्रपोर्शन उसको हम कैसे करेंगे तो कंटिन प्रपोर्शन में मतलब ए बाई बी फिर बी को ही कंटिन्यू रखो बी बाई सी अब सी को कंटिन्यू रखो सी बाई डी देट्स इट डी को कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि डी बाई फिर ई e तो है नहीं इसलिए यहाँ तक किया इज़ इक्वल टू इसको कॉन्स्टेंट मानो के के जो हम लोग हमेशा कर रहे हैं सो दिस इज़ कॉन्स्टेंट और आप देखो एक एक पार्ट को करते हैं पहले ए बाई बी तो इसको मत देखो सिर्फ ए बाई बी को हम देखते हैं तो ए इज़ इक्वल टू बी के होता है ठीक है अब इसमें देखते हैं तो B इज इक्वल टू सी के हो रहा है और लास्ट वाले में C इज इक्वल टू डी के हो रहा है अब वापस देखो पीछे चलो तो C के लिखा हुआ है C की वैल्यू तो आ गई C की वैल्यू डी के है तो यहाँ पे C की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो C की जगह हमको इसकी वैल्यू डी के रखनी पड़ेगी और एक के तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर तो ये देखो सी की जगह डी के और के तो हमारा बी का वैल्यू अब आया है डी के स्क्वायर ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू बी की अब बी की वैल्यू डी के स्क्वायर आ गई तो और पीछे जाओ यहाँ लिखा हुआ है ए का वैल्यू क्या है बी के तो अगेन बी की वैल्यू डालो डालो बी की वैल्यू है डी तो के स्क्वायर तो बी की जगह डी के स्क्वायर इंटू के यानी हमारी ए की वैल्यू आ गई डी के क्यूब तो अब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई है ए की वैल्यू डी के क्यूब बी की वैल्यू डी के स्क्वायर और सी की वैल्यू डी के डी की वैल्यू तो कुछ आई नहीं है मतलब डी ही रखनी है अब हम देखते हैं एल एच एस आर एच एस क्या लिखा है वो अलग अलग लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो ये मैंने आर एच एस एल एच एस दोनों वैल्यू रख दी अब बस हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एल एच एस करते हैं ए क्यूब तो ए की वैल्यू डालते हैं ए है डी के क्यूब और इसका क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब डी के स्क्वायर रखा और उसका क्यूब प्लस सी क्यूब सो डी के का क्यूब ओके okay, कौन बहुत आराम से करना है इसको गलत नहीं होना डी के स्क्वायर बी की वैल्यू और उसका क्यूब करें प्लस सी क्यूब मतलब डी के का क्यूब और प्लस डी क्यूब ठीक है अब इसको खोलते डी के क्यूब का होल क्यूब मतलब डी क्यूब के नाइन प्लस डी क्यूब के सिक्स प्लस डी क्यूब के क्यूब रिमेंबर ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर को अपॉन नीचे डी क्यूब के सिक्स प्लस डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब अब हमारा कॉमन जाता है इसमें देखो डी क्यूब कॉमन जा रहा तो है के क्यूब कॉमन जा रहा है तो डी क्यूब के क्यूब गया बचता क्या है के का पावर सिक्स के का पावर सिक्स क्यों बचा क्योंकि जब इस तरीके से मल्टीप्लाई हो तो हम के और इन दोनों को प्लस करते हैं तो थ्री प्लस सिक्स नाइन हो रहा है इसलिए फिर प्लस डी क्यूब तो गया के क्यूब प्लस डी क्यूब के क्यूब पूरा बाहर निकला है तो वन बस दैट्स इट और कुछ नहीं कर सकते तो इसको यहीं तक रखते हैं अब अपॉन का साइन लगाते हैं नीचे देखते हैं तो नीचे में डी क्यूब कॉमन जा रहा है तो यहाँ बच रहा है के सिक्स के का पावर थ्री और ये वन तो देखो ये तो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है तो कट गया और इधर डी क्यूब कट गया तो सब कुछ सॉल्व करके सिर्फ के क्यूब आया हमारा एल एच एस में अब देखते आर एच एस में भी यही आता है क्या तो आर एच एस बहुत छोटा सा है ए बाई डी दिया है तो ए की वैल्यू डालते हैं डी के क्यूब है डी की वैल्यू डी है तो एक ही बारे में सॉल्व हो गया बस डी डी घटा और ये हमारे पास के क्यूब आ गया ठीक है तो हमने लिख दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस तो तुमने देखा प्रूविंग करना इजी होता है अगर हम पहले वाला पार्ट जो मैंने अभी इरेज कर दिया बट ये जो वैल्यू लेके आए हैं हम ये भी सीखी ये अगर ठीक से लेके आ जाओ तो बस वैल्यू पुट करना है कैलकुलेशन ठीक करना है बाकी बहुत इजी होते हैं ये सम्स सो so, हमारा प्रोपोर्शन वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया ये के वाले जो वैल्यूज़ हैं कैसे लाते हैं ये सारे सम्स की प्रैक्टिस करना रेशियो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर ही दिया है अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन आता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी सो so, उस वीडियो का वेट करना और अगर ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करोगे बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग मेरे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो वहाँ पे भी काफ़ी स्टडी मटेरियल मिलता है ये रहा उसका लिंक और अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं करते तो फॉलो करो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एजुकेशनल अपडेट्स आती रहती है ओके सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स एटलीस्ट फाइव सम्स डे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय जय हिंद